भारत अमेरिका के बीच स्ट्राइकर को लेकर डील अंतिम चरण में है। ये डील होने के बाद भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और पाकिस्तान चीन जैसे दुश्मन इसकी मार से थरथर कांपेंगे। दरअसल स्ट्राइकर 8 पहियों वाला वो टैंक है जिसे टैंकों का बाप कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल पर जल्द सहमति बनने वाली है। समझौते के बाद इस व्हीकल का उत्पादन अमेरिका के सहयोग से भारत में किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये डील फाइनल होने के बाद स्ट्राइकर को भारतीय परिवेश के अनुसार कई बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन में आसानी होगी। डील के बीच अमेरिका स्ट्राइकर की गतिशीलता और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला है। बता दें कि स्ट्राइकर कॉम्बैट 8 पहियों वाला एक बख्तरबंद वाहन है जिसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। एक स्ट्राइकर की लागत 2012 में $4.9 मिलियन थी। वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी कीमत दोगुनी होने की बात कही जा रही है। स्ट्राइकर मौजूदा टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की तुलना में काफी हल्का है। इसकी खासियत यह है कि ये दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। बता दें कि अभी स्ट्राइकर सिर्फ अमेरिकी सेना के पास है। अगर डील फाइनल हुई तो भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल कर सकेगी। इसे बनाने वाली कंपनी जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ने अब तक स्ट्राइकर की 4900 यूनिट का निर्माण किया है जिसे अमेरिकी सेना को सौंपा जा चुका है। स्ट्राइकर में कैटरपिलर C7 इंजन लगा है जो 350 HP का पावर जनरेट करता है। इसे 2 लोगों का क्रू चला सकता है। ये वाहन ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। स्ट्राइकर को मुख्य रूप से 0.50 कैलिबर की M2 मशीन गन और MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया गया है। ये हथियार एक प्रोटेक्टर रिमोट स्टेशन से कनेक्टेड रहता है। स्ट्राइकर को फोर व्हील ड्राइव में भी बदला जा सकता है। इससे ये पहाड़ी, मैदानी, दलदली, रेतीली समेत सभी तरह की भूमि पर आसानी से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। ये 97 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। स्ट्राइकर में 2 क्रू मेंबर के साथ 9 सैनिक बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई 8.8 फीट होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।